दोस्तों लास्ट तक ऑनर 10, ऑनर व्यू 10 और ऑनर प्ले में पाई का अपग्रेड आ ही गया। इसका साइज है 4.04 GB और कौन कौन सा चेंजेस पाई अपग्रेड के बाद हो गया है चलिए देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो आपका ये डिवाइस ड्रीम डिवाइस बन सकता है। दोस्तों मेरा ये डिवाइस खो गया था लेकिन लास्ट तक डेड सिचुएशन में इसको मिल ही गया। लास्ट लोकेशन टैग करके मैं इसको हासिल किया और मैं कॉल सर्विस सेंटर से इसको ले आया और इसको अपग्रेड किया 9 GB तक। तो इसको क्या क्या चेंजेस हो गया है कॉल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आपको साथ भी ये हो सकते हैं, इसके लिए लॉस्ट डिवाइस को कैसे वापस पा सकते हैं ऊपर वाला लिंक को क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक एक करके कौन सा सेटिंग सबसे आपको लिए महत्वपूर्ण है और पहले लास्ट से शुरू करते हैं। चलिए सिस्टम सेटिंग्स में आपको नेविगेशन बटन मिल जाएगा। हाय, सीटेक एंड साइंस पुलक, आई एम योर असिस्टेंट हियर टू। नेविगेशन बटन का अपडेट पिछला अपडेट में आ चुका था लेकिन इसका अनुभव पहले से ज्यादा बढ़ गया है देख सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन को आप बैकग्राउंड में ऐसे ही क्लोज कर सकते हैं और देखिए रीसेंट वर्टिकल स्टाइल इधर मिल जाएगा, बहुत ही पहले से स्मूथ है। और देखिए ड्यूअल एप्लीकेशन को इधर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो एंड्रॉयड 8.1 से ये मिलता है, ये बहुत ही अहम फीचर्स है। इसके बाद दोस्तों अबाउट फोन में ही आपको बैकअप एंड रिस्टोर मिल जाते हैं, रीसेट भी मिल जाते हैं और नेविगेशन बटन के साथ साथ आपको लैंग्वेज एंड इनपुट भी मिल जाते हैं। दोस्तों आप कोई भी आदर्श कीबोर्ड इस्तेमाल करते हो तो आपको ये अबाउट फोन में ही इसका ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद गूगल सर्विस जो पहले से ही था इसको बैकअप एंड रीसेट करने से दोस्तों इधर आपको जो सारी डेटा है इसको इसके ज़रिए आप बैकअप ले सकते हैं। तो इसको बैकअप लेने को बाद कोई भी आप फ़ोन चेंज करें तो इसको बैकअप आपको काम में आ जाएगा। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी और जो सेटिंग्स है इसमें आपको वन हैंड यूज़र का सेटिंग्स इधर दिया जाता है, आप चाहे तो इसको ऑन कर सकते हैं। वन हैंड यूज़र करने से आपको क्या होगा, इधर से और इधर से आप कीबोर्ड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं इधर वन हैंड एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा हाथ काफ़ी बड़ा है। ब्लैक थीम से व्हाइट थीम में वापस आ गया क्योंकि आपको देखने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट सेटिंग्स डिजिटल बैलेंस का। दोस्तों डिजिटल बैलेंस का सेटिंग्स किसको लिए है ये इधर दिखा रहे हैं, आपको लिए है तो आपको कॉन्शस रहना पड़ेगा और चाइल्ड को लिए है तो चाइल्ड लॉक इधर नीचे से सेट करना पड़ेगा। चलिए मैं इधर एक पिन सेट कर लेता हूँ और पिन सेट करने को बाद ये आपको जो सेटिंग्स है कितना देर तक कौन एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल करना चाहते हो, करना देना चाहते हो, ये आपको मर्जी है। चलिए मैं एक पिन को सेट कर लेता हूँ। पिन सेट करने को बाद कोई भी आप चेंजेस करना चाहो तो आपको पिन के ज़रिए जाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इसको सेट कर पाएंगे। कोई कोई दोस्त मेरे ऐसे है जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के गेम खेलते ही जाते हैं उसको लिए ये एप्लीकेशन ये जो फीचर्स है बहुत ही अहम है क्योंकि इसके ज़रिए आप इसको सेट कर सकते हैं कितना देर तक ये एप्लीकेशन चलना चाहिए और किसी को चलाना देना चाहिए। चलिए इसको सेट कर लेते हैं। इसके बाद ये एप्लीकेशन ये टाइम पूरा होने को बाद ये काम नहीं करेगा और इसको काम में फिर लेना चाहो तो आपको फिर पासवर्ड डाल के ही इनेबल करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ये एंड्रॉयड 9 का सबसे अहम फीचर्स है और ये देखिए मैं बेड टाइम को भी सेट कर सकता हूँ, कितना देर मुझे नींद चाहिए और नींद के दौरान कोई भी कॉल आए, कोई भी फंक्शन आए, कोई भी मैसेज आए तो उसको अंदर छुपा देगा और चाहे तो आप ऑटो रिस्टार्ट और ऑटो शटडाउन भी इधर कर सकते हैं। इसके बाद चलिए बैटरी सेटिंग्स को देख लेते हैं। ये पावर सेविंग मोड को परफॉर्मेंस मोड में ऑन कर दीजिए मेरे तरह तो आपका फ़ोन का बैटरी का परफॉर्मेंस और भी बढ़ जाएगा। और इधर देखिए आप एप्लीकेशन में चले जाइए, एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे होते हैं आपका सिस्टम लॉन्च होने को साथ साथ ही ये लॉन्च हो जाते हैं बैकग्राउंड में, तो आप इधर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को आप इधर ऑफ रख सकते हैं जिस एप्लीकेशन को आप ज़्यादातर इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं।
इसके बाद एप्लीकेशन सेटिंग से ऐप ट्विन को इनेबल कर सकते हैं और सेकेंड पेज बना सकते हैं। दोस्तों डिफॉल्ट एप्लीकेशन से आप लॉन्चर को भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त ने मुझे पूछा था एंड्रॉयड पाइक अपग्रेड को बाद आपको लॉन्चर को सेटिंग्स मिलेगा या नहीं, मैंने बोला था हाँ भाई मिलेगा, देखिए इधर मिल गया है। इसके बाद एप्लीकेशन सेटिंग से आप जितनी ही सारी एप्लीकेशन को ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल करने को बाद आपको बैटरी का परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बढ़ सकता है। इसको बाद दोस्तों साउंड सेटिंग्स में तरह तरह का नेचुरल साउंड वाला रिंगटोन मिल जाएगा, आप चाहे तो किसी एक को चॉइस। इसके बाद देखिए डिस्प्ले सेटिंग्स में आपको बहुत तरह तरह का ऑप्शन के साथ ये आई कंफर्ट मिल जाएगा। आई कंफर्ट को ऑन कर लीजिए तो आपको आँखों का इरिटेशन नहीं होगा और इसमें आपको वार्म डिस्प्ले भी मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आपको इधर टेक्स्ट साइज, स्लीप और स्क्रीन रेजोल्यूशन सारी को सारी ऑप्शन मिल जाएगा। विविड कलर का ऑप्शन भी इधर मिल जाता है, ये आप जैसे ही चाहे आपका मर्जी के तरह ये ऑन कर लीजिए। स्क्रीन का साइज के साथ साथ आपको टेस्ट का साइज भी इधर परिवर्तन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद होम स्क्रीन और वॉलपेपर में दोनों स्टाइल आपको मिल जाते हैं, एक है कार्ड स्टाइल और एक है ड्रॉयर स्टाइल, आपको जो पसंद है आप ये कर सकते हैं। इसके बाद ये वॉलपेपर और होम स्क्रीन सेटिंग्स में ही आपको लॉक स्क्रीन सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चाहे तो आपका नेम और आपका ऑफिस का एड्रेस इधर दे सकते हैं। इसको अलावा कैमरा में बहुत ही बड़ा चेंजेस हो गया है इस अपडेट को साथ साथ ही, और कैमरा का क्या चेंजेस हुआ है, कितना अच्छा हुआ है ये रेडमी नोट 6 प्रो के साथ कंपेयर करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जितना मुझे लगता है इस अपडेट को साथ साथ बहुत ही सिंप्लीफिकेशन हुआ है सेटिंग्स का और परफॉर्मेंस का। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपका प्यार मिलता रहा तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहना, जय हिंद।